हेलो दोस्तों, अगर आप YouTube पर टेक्निकल वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो मनोज डेग को तो आप लोग जानते ही होंगे। जी हाँ, वह व्यक्ति जिसने लाखों लोगों को प्रेरित किया कि आज वह भी YouTube चैनल बना अपना करियर शुरू कर रहे हैं। लेकिन मनोज डेग की यह सफलता इन्हें यूं ही नहीं मिली, इन्हें इसके लिए कई संघर्ष करने पड़े। आज हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं इनके जीवन के संघर्ष और जुड़ी कुछ मुश्किलों के बारे में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, मनोज कुमार डेग का जन्म 12 जुलाई 1997 को झारखंड के धनबाद में हुआ था। इनकी प्राथमिक शिक्षा गवर्नमेंट स्कूल से हुई। इसके बाद इन्होंने ग्रेजुएशन और आईटीआई की शिक्षा भी कंप्लीट की। इनके पिता साइकिल रिपेयरिंग का काम करते हैं। दोस्तों, मनोज की घरेलू स्थिति शुरू से ही ठीक नहीं रहती थी और जब ये 12वीं क्लास में आए तो परिवार की मदद के लिए बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया था। ये हमेशा से ही अपने फ्यूचर के लिए चिंतित रहा करते थे और हमेशा नई नई चीजें सीखने की कोशिश करते रहते थे। हम में से बहुत कम लोग ये जानते हैं कि किसी समय मनोज के पास इंटरनेट रिचार्ज के पैसे भी नहीं हुआ करते थे। इन्हीं सबके बीच अचानक एक दिन उन्होंने फेमस यूट्यूबर धर्मेंद्र सर की वीडियो उनके चैनल माई स्मार्ट स्वॉर्ड पर देखी। उस वीडियो को देखने के बाद इनका यूट्यूब के प्रति नजरिया बिल्कुल ही बदल गया, क्योंकि अभी तक ये यही सोचा करते थे कि यूट्यूब के लिए काफी चीजों की जरूरत होती होगी। लेकिन इन्हें देखने के बाद मनोज काफी प्रेरित हो गए और वह पूरे जोश के साथ अपने चैनल के लिए काम करने में जुट गए। स्टार्टिंग में मनोज ने अपने विचार अपने दोस्तों के समक्ष प्रस्तुत किए कि क्यों ना हम भी YouTube पर वीडियो डालें, लेकिन उनके मित्रों ने यह बात हंसकर टाल दी। लेकिन मनोज वहीं नहीं रुके, उन्होंने आगे बढ़ने का फैसला कर लिया था। वे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ चले। शुरुआत में इन्होंने YouTube पर कवर सॉन्ग्स डालने शुरू किए, लेकिन पर्याप्त इंटरनेट और पैसे ना होने के कारण वे ज्यादा समय तक उसे कंटिन्यू ना रख सके। उन्होंने उस चैनल को बंद कर दिया। इसके लगभग एक महीने बाद जियो मार्केट में आ गया, जिससे उन्हें फ्री इंटरनेट मिल गया और इन्होंने घर वालों से छुपकर जियो सिम खरीद लिया और YouTube पर अपना YouTube चैनल बनाया, जिसका नाम था टेक्निकल मनोज। इस चैनल पर इन्होंने टेक्निकल टिप्स, ट्रिक्स, अनबॉक्सिंग जैसे वीडियोस डालने का फैसला किया। इनकी मेहनत रंग लाई और कुछ ही दिन में इनका चैनल ग्रो होने लगा और साथ ही साथ इनका चैनल भी मोनेटाइज हो गया, जिसके कारण इन्हें कुछ पैसे आने भी स्टार्ट हो गए। इन सब के कारण इन्हें मोटिवेशन मिला और पूरी लगन से ये मेहनत करने लग गए। लेकिन कुछ ही समय बाद किसी कारण इनका मोनेटाइजेशन डिसेबल हो गया और इसके लगभग 6 महीने बाद इन्हें गुजरात से जॉब का ऑफर आ गया। उन्होंने सोचा शायद जॉब करना ही ठीक होगा, क्योंकि जॉब में एक फिक्स अमाउंट हर मंथ उन्हें प्राप्त होता रहेगा और घर वालों की मदद आसानी से कर सकेंगे। यह सोचकर वे गुजरात चले गए, लेकिन वहां पहुंचने पर उन्हें पता चला कि वह सैलरी तो केवल उनके खाने और रहने तक ही पर्याप्त है। वह उस सैलरी से कुछ बचाकर अपने घर भिजवाने में असमर्थ रहे, इसलिए वह गाँव लौट आए और उन्होंने आते ही एक नया यूट्यूब चैनल मनोज डे के नाम से बनाया और आज उनकी सफलता सभी जानते हैं। आज उनके चैनल पर 3 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं और झारखंड के सबसे बड़े यूट्यूबर हैं। अंत में हम यही कहना चाहेंगे कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, पर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई है तो लाइक करके हमारा मनोबल जरूर बढ़ाएं और अपने दोस्त मनोज डे की सक्सेस स्टोरी वीडियो को अपने दोस्तों से फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप अगली वीडियो कौन से सेलिब्रिटी की देखना चाहते हैं।